हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रियांशु नम्मा। इस वीडियो में हम देखेंगे बाइनरी टू ग्रे कोड कैसे कन्वर्ट करते हैं। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मान लीजिए मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ 12 का। ये क्या है, 12 डेसिमल में है। पहले इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो बाइनरी में इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, बाइनरी में मैं ऑन द बेसिस ऑफ 1, 2, 4, 8 इसके बेसिस पे कर रहा हूँ मैं। तो देखिए 12 है तो 4 और 8 12, तो 1100 ये इसका बाइनरी होगा। अब मैं इसका ग्रे कोड आपको बताऊँगा। ग्रे कोड, बाइनरी को ग्रे कोड में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एक्सोर की टेबल पता होना चाहिए हमें। एक्सोर की क्या होती है, ए एंड बी इनपुट एंड देन आउटपुट। अगर मैं 0 0 दूँ तो मुझे 0 मिलेगा, ये आउटपुट है यहाँ पे, ये इनपुट है। ओके, 0 0 दूँ तो 0 मिलेगा, 0 1 दूँ तो मुझे 1 मिलेगा, और 1 0 दूँ तो भी 1 मिलेगा। ये देखिए इधर ये, और अगर मैं 1 1 दूँ तो मुझे 0 मिलता है एक्सोर में। ओके, तो अब देखिए ये बाइनरी आ गया हमारे पास, बाइनरी 1100 ये बाइनरी है। अब इसको ग्रे में कैसे कन्वर्ट कर देंगे, ध्यान से देखिए थोड़ा। ये जो पहली डिजिट होती है उसको एज इट इज़ उतार देते हैं, एज इट इज़ लेते हैं। फिर इसके साथ एक एक्सोर गेट कनेक्ट कर देते हैं। तो 1 1 यहाँ लिखा है, देखिए 1 1 0, तो ये 1 1 0। फिर इसको इसके साथ देखेंगे तो 1 0 1 1 0, ये 1 है तो 1 हो जाएगा, और 0 0 0 0 0 0 0, तो ये हमारे इसका ग्रे कोड हो गया। 1 1 0 0 का ग्रे कोड 1 0 1 0 होगा। अब मैं 13 के लिए बताता हूँ एक बार आपको। 13 के लिए मैं, डेसिमल ही है, इसको इसका बाइनरी क्या होगा, 1 1 0 1, ये 13 का बाइनरी होगा। अब इसको ग्रे में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 13 12 के लिए देखा था अभी हमने, हम 13 के लिए देखेंगे। इससे आपको एक डिफरेंस पता चल जाएगा कि ग्रे कोड में डिफरेंस क्या होता है। तो देखिए ये क्या है, 1 1 0 1। ओके, तो मैंने 1 को एज इट इज़ यहाँ उतार लिया। ओके, अब 1 एग्जोर विद दिस, इसको इसके साथ करा, इसको ऐसी कैसी उतारना है आपको। ओके, इसको जो है इसको ऐसी कैसी उतारना आएगा। अब देखिए तो इसको इससे करा 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1, तो ये क्या हो गया इसका, 13 का ये हो गया ग्रे कोड। ठीक है, तो अब देखिए मैंने जब 12 का निकाला था, 12 का ये क्या है डेसिमल, इसका क्या आया था मेरा कोड 1 0 1 0 ग्रे में आया था। और मैंने फिर देन 13 का निकाला डेसिमल, इसका क्या आया मेरे पास 1 0 1 1, ये ग्रे में आया मेरे पास। तो एक्चुअली में होता क्या है, ग्रे कोड में ओनली 1 बिट का चेंज होता है। बाइनरी में बेसिकली 1 बिट 2 बिट 3 बिट एंड एन नंबर ऑफ बिट का चेंज होता रहता है, लेकिन ग्रे में केवल 1 बिट का ही चेंज होता है। ये देखिए 1 0 1 0, तो 1 0 1 0 और इधर 1, तो केवल ही 1 बिट का चेंज हुआ है इसमें। सिमिलरली आप 14 के देखेंगे तो कुछ वैल्यू आएगी उसके लिए बाद, फिर कुछ वैल्यू आएगी। तो इसी टाइप से ग्रे में ओनली 1 बिट का चेंज होता है, इसलिए हम ग्रे कोड को यूज़ करते हैंगे, क्योंकि इसमें केवल 1 बिट का चेंज होता है। और बाइनरी में जो होता है, ये देखिए बाइनरी, इसमें अगर बाइनरी बताऊँ मैं आपको, अभी हाल ही हमने करा था, जो 12 का बाइनरी क्या होता है 1100, और 13 का बाइनरी क्या होता है 1101। तो इसमें देखिए, इसमें ये तो फिलहाल 1 बिट के चेंज हुआ है, लेकिन अगर मैं लिखता हूँ बाइनरी में 6, बताता हूँ मैं बाइनरी में तो कैसे लिखूंगा मैं यहाँ पे, 0 1 1 0, वहीं मैं 7 लिखता हूँ तो क्या आएगा मेरा 0 1 1 1, 8 लिखता हूँ मैं तो क्या आएगा 1 0 0 0। तो ये देखिए इसमें क्या 1 बिट का चेंज हुआ, लेकिन 7 को जैसे मैंने 8 लिखा तो 8 में कितने 3 बिट का चेंज हुआ, ये 3 1 थे, ये 3 0 हो गए, तो 3 बिट का चेंज हुआ इसमें। लेकिन अगर आप 7 से 8 में ग्रे करेंगे तो भी आपको यही मिलेगा, 1 बिट का चेंज ही मिलेगा।
सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू वेरी मच।